पेशेंट्स में एक ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की बात कही जा रही है, म्यूकोर माइकोसिस। ये वायरस की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ लोगों में हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है, क्या है ये? अच्छा, ये ब्लैक फंगस ये नया डिजीज नहीं है। कोविड से पहले भी ये होता था। इट इज अच्छा, ए डिजीज दैट अकर्स मोस्टली डायबिटिक्स। डायबिटिक जो भी जिसको भी डायबिटिस है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिस, उसको इम्यूनो सप्रेशन होता है। और दूसरा, जो लोग स्टीरॉयड्स यूज करते हैं उसको इम्यूनो सप्रेशन होती है। सो इन दोस पीपल इट वॉज बींग सी। इस बार क्या हुआ, ये दूसरे लहर में इतना ज्यादा केसेस आ गया ना, एंड मेनी ऑफ देम बिकॉज दे हैव हैड सीवियर डिजीज एंड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम हैव हैड डायबिटीज। वो डेडली कॉम्बिनेशन हो चुका है, स्टीरॉयड्स प्लस डायबिटीज। जी एक बात हम कहना चाहते हैं दैट इट डज नॉट अकर ड्यूरिंग एक्टिव कोविड। कोविड होने की बाद दिस 2 to 3 weeks later it occurs. So it does not happen during acute disease. होने के बाद when they go home or when they are getting discharged from the hospital, उस समय ये इन्फेक्शन लग रहा है। एंड इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। इट हैज टू बी डिटेक्टेड अर्ली। उसका मेनी सिम्टम्स आर देयर। हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, पेन इन द फेस, पेन इन द नोस। ये पहले साइनसिस में शुरू होके देन इट गोज टू द ब्रेन। अर्ली डिटेक्ट हुआ तो देन इट इज अमेनेबल टू ट्रीटमेंट। तब ये ब्रेन पहुंचाता है, उस समय मॉर्टेलिटी इज वेरी वेरी हाई। ओके